नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के वीडियो देखने के बाद में आप खुशी के मारे नाच उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि में कुछ ऐसे अनोखे योगों का निर्माण हुआ है जिससे सीधे तौर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की सीधी कृपा आपके ऊपर परसने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपको ऐसी बड़ी चीजें मिलेंगी जिसकी जीवन भर आपने सोचा होगा, जिसके लिए शायद आपने जीवन भर मेहनत की है। और दोस्तों आखिर वो कौन सी पांच चीजें हैं जिनके होने से आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता है? जी हाँ दोस्तों, गरीबी आपको छू भी नहीं पाएगी, इसलिए आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। और आज हम इस वीडियो में पांच ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको घर में रखने से घर में मौजूद गरीबी, घर से चली जाती है निर्धनता, दरिद्रता हमेशा दूर रहती है घर से। दोस्तों जी हाँ, आप इस वीडियो को पूरा और शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि इसका लाभ आपको प्राप्त हो और इस जी वीडियो का अनादर भी ना हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अंदर वास्तु दोष को भी अहम स्थान दिया गया है। जिस घर में दोस्तों वास्तु दोष होता है तो दोस्तों उस घर में बहुत सारी चीजों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वास्तु दोष खराब होता है वहां कई तरह की परेशानियां आने लग जाती हैं। इन्हें वास्तु दोष की वजह से गरीबी का आना, पैसों का जल्दी खर्च हो जाना बहुत बड़ी समस्या माना गया है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको स्वयं वास्तुशास्त्र में बताया गया है। इन चीज़ों को घर में रखने से आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन चीज़ों को घर में रखने से दोस्तों हमेशा ही घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। दोस्तों गरीबी और निर्धनता जीवन जीने के साधनों या फिर धन के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो। जो पहले से ही अमीर है वह यही चाहता है कि वह कभी गरीब ना हो। दोस्तों गरीबी का मुंह कोई भी व्यक्ति नहीं देखना चाहता है, पर किस्मत के आगे किसकी चलती है। तो दोस्तों यदि आपको गरीबी से बचना है तो घर में ये पाँच चीज़ों को अवश्य रखें जिससे आपके घर पर कभी भी दरिद्रता और गरीबी नहीं आए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वह पांच चीज़ें कौन सी हैं। दोस्तों आपको बताऊं उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दें। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, वह है गणेश जी की मूर्ति। गणेश जी को विघ्न हर्ता भी कहा जाता है। घर में जब भी कोई नया कार्य शुरू किया जाता है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा पाठ की जाती है। गणेश जी को दोस्तों सारे विघ्नों को हरने वाला देव माना गया है और गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम श्री गणेश वंदना करने से कोई भी कार्य कभी बिगड़ता नहीं है और उसमें फायदा ही फायदा नजर आता है। इसीलिए हम सभी को घर में कम से कम एक गणेश जी की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। इस मूर्ति को दोस्तों घर में विराजित करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि गणेश जी ऐसी जगह पर रखे हों जहाँ से उनकी दृष्टि घर के मुख्य द्वार पर पड़े। ऐसा करने मात्र से घर में माँ लक्ष्मी जल्दी आती हैं। घर में कभी भी धन की कमी जो है वह नहीं होती है। घर से दरिद्रता गरीबी हमेशा दूर हो जाती है। गणपति बप्पा को रिद्धि सिद्धि का दाता माना गया है और जिस घर पर गणपति बप्पा खुश हो जाते हैं वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी वस्तु की कमी नहीं आती है। हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे हुए ही रहते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ तो यही है, वह गणेश जी की मूर्ति आपको अवश्य रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है बांसुरी। दोस्तों घर में बांसुरी रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में बांसुरी रखने से सभी तरह के वास्तु दोष जो हैं वह दूर हो जाते हैं। दोस्तों बांसुरी जो है वो भगवान श्री हरि कृष्ण की सबसे प्रियतम वस्तु में से एक मानी गई है। जब भी श्री कृष्ण खुशी के अंदाज में होते हैं तो वह दोस्तों बांसुरी को अवश्य ही बजाया करते थे, इसीलिए बांसुरी को वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। घर में चांदी की बांसुरी रखने से धन की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को चांदी की बांसुरी प्रिय होती है, इसीलिए जिस घर में ये होती है वहाँ माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं
यदि आप चांदी की बड़ी बांसुरी रखते हैं तो छोटी सी बांसुरी भी रख सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चांदी महंगी होने के कारण वह अफोर्ड नहीं कर सकता है तो दोस्तों नॉर्मल बांसुरी लेकर के भी आप अवश्य ही रख भी सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, वह है शंख। दोस्तों दक्षिणावर्ती शंख, हर घर के पूजा घर में एक शंख अवश्य ही होना चाहिए। ये शंख घर के वास्तु दोष को दूर करने का कार्य करता है। इतना ही नहीं, इस शंख को सुबह और संध्या के समय बजाने से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है। दोस्तों शंख की ध्वनि से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर चली जाती हैं। घर के लिए शंख लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। इसे दिमाग में रखें कि शंख को दक्षिणावर्ती ही हो। इसका कारण ये है कि दक्षिणावर्ती क्यों होना चाहिए? इसका कारण ये है दोस्तों कि दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी माँ के प्रिय होते हैं। जिस घर में इस शंख को बजाया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए अपना निवास स्थान ग्रहण करती हैं। शंख को ज़्यादा असरदार बनाने के लिए इसे पूजा स्थल में लाल कपड़े में लपेट कर रखें और नियमित रूप से इनकी पूजा अवश्य करें। पूजा के दौरान सुबह के समय और संध्या के समय घर में शंख की ध्वनि का हर एक बार लाभ जरूर करें। उसके बाद घर का सारा वातावरण सुख समृद्धिपूर्ण आपको लगने लग जाएगा। अगली चीज़ है लक्ष्मी कुबेर की प्रतिमा। दोस्तों वैसे तो हर घर में लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर या प्रतिमा मान लीजिए वह अवश्य ही होती है, लेकिन दोस्तों जो सबसे खास बात है वह ज़्यादातर घरों में दोस्तों माँ लक्ष्मी की तस्वीर के साथ कुबेर देव विराजमान नहीं है। दोस्तों आपके घर में एक तस्वीर ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें कुबेर देव और माँ लक्ष्मी शंख विराजमान हो। जी हाँ दोस्तों कुबेर महाराज उत्तर दिशा के स्वामी होती हैं और दोस्तों इन्हें हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी और कुबेर की तस्वीर रहकर आप दोस्तों दक्षिण दिशा में पूरा करके ना रखें, इसे उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको आय का साधन देते हैं। कुबेर देव की तस्वीर घर में रखने से ये धन आगमन के नए द्वार खोल देते हैं। कुबेर देव दोस्तों जो भगवान हैं, देवों के देव हैं, वे दोस्तों धन के भी कुशल वक्ष माने जाते हैं, धन के देवता माने जाते हैं, इसीलिए ये भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों एक और चीज़ है, वह मछली। दोस्तों घर में यदि मछली रखते हैं तो दोस्तों इसमें हर तरह की आपके पास आती है और दोस्तों सारे दोष दूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में या फिर ऑफिस में रखने से सकारात्मक चीज़ें आती हैं तो वहाँ कभी भी किसी को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मछली को पानी के टैंक में या फिर आजकल बाजार में आपको बहुत सुंदर सुंदर एक्वेरियम मिल जाएंगे, उन एक्वेरियम में आप घर पर लगा सकते हैं। दोस्तों एक्वेरियम में रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके अंदर पूरी 9 मछलियां होनी चाहिए। इसके साथ ही घर के किसी एक व्यक्ति को ही इन मछलियों को खाना खिलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो आपके जीवन के कलेश को दूर कर सकते हैं। जो दोस्तों परेशानियां चल रही हैं उनकी वजह से दोस्तों आपको अपने काम में बहुत व्यस्त रहना पड़ता है। आपका जीवन बहुत कठोर मेहनत के साथ में गुजर रहा है, फिर भी आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे मन में थोड़ी सी दोस्तों चिड़की भावना उत्पन्न होती रहती है और फिर वह क्रोध बनकर कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के लोग जहाँ भी जिस स्थिति में आपको क्रोध आया है वहाँ ना निकाल कर आप अपने लोगों के ऊपर ही अपना क्रोध निकाल देते हैं। अपने घर में माँ बाप के ऊपर, अपने भाई बंधुओं के ऊपर, आप अपने बच्चों के ऊपर या फिर अपने जीवन साथी या प्रेमी के ऊपर ही आपका क्रोध निकल जाता है। इसे होता ये है कि आपके अपने ही आपसे दूर होने लग जाते हैं, आपसे चिढ़ने लग जाते हैं व आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास उत्पन्न हो जाती है, जिससे आपको फिर से एक नया दुख उत्पन्न होने लगता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप लोगों को मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसे सब देवों का बुद्धि का ग्रह माना जाता है। जिस इंसान का मंगल अच्छा होता है, मजबूत होता है, उस इंसान की बुद्धि बहुत ही शांत रहती है, वह बेहद विवेकशील होता है और वह हर एक फैसला सोच समझ कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि आप लोगों को कल शाम 4:48 पर आपके जीवन में कुछ ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है जिससे दोस्तों आपके बौद्ध प्रवरता हो जाएगी। आपके जीवन में दोस्तों थोड़ा बहुत जो नकारात्मक माहौल बन रहा है वह आप लोगों के स्वयं की क्रोध और चिड़की वजह से उत्पन्न हुआ है, लेकिन अब इसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा और दोस्तों अब आपको क्रोध और चिड़
कम होने वाली है, या फिर यूं कहें तो दोस्तों समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि अब मंगल आपका मजबूत होने जा रहा है और अब आपको अपने काम में चिढ़ नहीं होगी, आपका मन भी शांत रहने वाला है। तो इससे दोस्तों आप लोगों के जीवन में नई बड़ी खुशखबरियां भी अग्रसर होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। जो लोग नौकरी प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति संबंधी विचार की भावना अपने मन में है या फिर कोई परीक्षा दी है उसके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुनाया आपने, भरपूर साथ मिलने वाला है जीवन का आप लोगों को। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि धन लाभ के कुछ अवसर तो प्राप्त होंगे ही होंगे, लेकिन उन अवसरों को मनाना आपके हाथ में है। अवसर तो मिलेंगे लेकिन उनका किस प्रकार से उपयोग करना है वह केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों कोई भी मौका आए उसे हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें, और बेफिजूल के खर्चों से भी आपको बचने की आवश्यकता है। संतुलित बजट बनाकर आपको आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वह दिन व्यवस्थित चल रहा है। यदि कोर्ट संबंधी कोई मामला चल रहा है तो दोस्तों उस मामले से संबंधित कोई शुभ समाचार आपके पक्ष में भी आ सकता है। तो दोस्तों जरा ईश्वर की कृपा आप पर है, इसलिए हाथ जोड़कर उनका प्रणाम अवश्य करें। इसके साथ ही साथ